हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर टेक्निकल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल की वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्टर। हाउ डज इलेक्ट्रिकल लाइन टेस्टर वर्क? इलेक्ट्रिकल लाइन में टेस्टर कैसे काम करता है? तो दोस्तों, टेस्टर हमें एसी लाइन में फेज आ रहा है क्या नहीं या सप्लाई चेक करने के लिए टेस्टर का यूज़ किया जाता है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने के टाइम भी रिटर्न सप्लाई आ रहा है, न्यूट्रल में सप्लाई आ रहा है, वो भी चेक करने के लिए टेस्टर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड मेन पार्ट्स ऑफ द टेस्टर। इंसुलेटेड ट्रांसपेरेंट बॉडी, मेटेलिक रॉड, रेजिस्टेंस, न्यूऑन लैम्प, स्प्रिंग, मेटेलिक टच स्क्रू, ये हमारे टेस्टर के पार्ट्स है। रजिस्टर, जो टेस्टर के मेटेलिक रॉड को सीरीज में कनेक्ट होता है। रेजिस्टर्स अप टू 1 मेगा ओम के ऊपर यूज किया जाता है, जिससे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है और हमें मिली एम्प्स में करंट आगे छोड़ता है। उससे हमें सप्लाई लाइन या फेज चेक करने के टाइम शॉक नहीं लगता है। नेक्स्ट है न्यूऑन लैम्प। न्यूऑन लैम्प रेजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट होता है। जब हम फेज या सप्लाई चेक करते हैं, अगर उस टाइम लाइन में सप्लाई होगा तो न्यूऑन लैंप ग्लो होता है और हमें इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पार्ट, मेटेलिक स्प्रिंग। मेटेलिक स्प्रिंग की वन साइड न्यूऑन लैंप को कनेक्ट होती है और अनदर साइड मेटेलिक टच स्क्रू को इंटरनली कनेक्ट होती है। मेटेलिक स्प्रिंग का काम करंट सर्कुलेटिंग के लिए होता है फ्रॉम न्यूऑन लैंप टू मेटेलिक टच स्क्रू। नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम फॉर टेस्टर। अब हमने फेज लाइन से टेस्टर को टच किया है तो पहले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस अपोज करेगा करंट को और मिली एम्प्स में आगे करंट भेजेगा। तो हमने अभी टेस्टर के पीछे जो मेटेलिक स्ट्रिप स्क्रू है वहाँ पे टच किया है, तो हमारे बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है। तो हमने अब पीछे टेस्टर की बैक साइड टच किया तो स्ट्रे कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है और बॉडी के थ्रू हमारे नीचे ग्राउंड को मिलता है करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, मतलब 1 मिली एम्प्स में करंट मिलता है। उससे हमें शॉक भी नहीं लगता। तो हमारे बॉडी को, बॉडी से नीचे अर्थिंग मिलता है और अर्थ थ्रू हमारा टेस्टर इंडिकेट करता है कि सप्लाई आ रहा है कि नई फेज लाइन में। वैसे डीसी में नहीं होता है, क्योंकि डीसी लाइन में जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है वो अर्थिंग नहीं किया जाता है। जैसे एसी लाइन में हमारे ट्रांसफॉर्मर से जो न्यूट्रल आता है वो अर्थिंग किया जाता है, वैसे डीसी लाइन में नहीं किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे बेसिक नए नए वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।